ओम शांति। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी। जैसे किसी को कहते हो कि आप शांत रहो, मीठे रहो, तो अपने अंदर भी ध्यान जाता है, क्या मैं शांत हूं, क्या मैं मीठा हूं, तो मैं दूसरे को बोल ही तभी सकूंगा जब मैं खुद रहूंगा। तो ये अपने ऊपर एक अटेंशन चला जाता है, क्या ये गुण मुझ में है जो मैं दूसरों में देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो दूसरों को दिखाना चाहते हो वो खुद में भी होना चाहिए, इस तरह की धारणा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, आजकल तो बाहर ही ज्यादा हो गया है कि बाहर से सुनाते तो बहुत कुछ है पर भीतर जाते नहीं है, माना अंदर नहीं देखते कि मुझ में क्या है क्या नहीं है। बाहर बहुत अच्छा सुनाते हैं पर पहले क्या होता था, बोल में भी वही आता था जो अंदर होता था। इसीलिए कहा कि गुणों की धारणा भी होती जाए, चलन भी सुधरती जाए, तो बोलेंगे वही जो अपने अंदर होगा। और अपने अंदर अगर ज्ञान दान करने की चाहना होगी तो अंदर ये भी चेकिंग होती रहेगी, क्या मैं गुणवान हूं जो मैं दूसरों को गुणों का दान कर रहा हूं। तो अपने अंदर चेकिंग होगी। तो ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। ओम शांति।